बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चेपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ के लाइनपाल ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों को काम पर न लेने से 94 परिवारों की रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। आज 6 दिनों से लाइनपाल रेलवे पार्क में सुबह 6 बजे आकर बैठ जाते हैं और सायं 5 बजे अपने घर पर लौट जाते हैं। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे हल्का बहादुरगढ़ कार्यालय विधायक माननीय नरेश कौशिक से मुलाकात करने पहुँचे, परंतु 12 बजे विधायक अपने कार्यालय पर पहुंचे। सफाई कर्मचारी 2 घंटे के इंतजार के बाद मुलाकात का समय मिला। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ ब्लॉक प्रधान विजेंद्र सैनी की अध्यक्षता में विधायक नरेश कौशिक के साथ बातचीत हुई और विधायक जी ने नगर परिषद अधिकारियों को फोन करके आदेश दिए कि आप ठेकेदार से बात करके सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाने का दिशा निर्देश दें। जो लाइन पार सफाई कार्य बंद पड़ा वह सुचारू से चल सके और लोगों को जो असुविधा हो रही है उससे निजात मिल सके। विधायक माननीय नरेश कौशिक के कार्यालय पर सेक्टर की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। नगर परिषद जिला प्रधान राजेंद्र कुशामर, इकाई प्रधान राजपाल, सचिव प्रदीप, सजन्य, मनीष, अंजू आदि शामिल हो रहे। कर्मचारी जो लेकर लगे हुए थे लाइन पार में, उनको 2 तारीख से काम पर नहीं दिया जा रहा था, उसको लेकर हम आज विधायक नरेश कौशिक जी से मिले हैं उनके कार्यालय पर, और उनसे मिलने से हमें आश्वासन मिला है। मैं ठेकेदार से बात करूंगा और जो नगर परिषद के अधिकारी हैं उनसे बात करके जो कर्मचारी पहले लगे हुए हैं उनको सब का काम कर रखा जाएगा, और अगर और कार्य करने के लिए कर्मचारी जरूरत होगी तो ठेकेदार एक्स्ट्रा रख सकता है और नई भर्ती कर सकता है। तो हमें उम्मीद है कि अधिकारी जी ने जो कहा है, जो हमारे सामने ही फोन करके कहा है ठेकेदार के बात करने के लिए कि उनको रखे, तो हमें बहुत ही विधायक जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। पूर्ण कर्मचारियों की समस्या को समाधान करने के लिए आदेश दिए हैं और हम भी उम्मीद करते हैं कि वो सारे कर्मचारी वापस काम पर लौटेंगे, तो हम यही उम्मीद के साथ आज विधायक जी मिलने आए थे और वो समारोह बात हुई।